11 साल तो मतलब सहुरा मेरा शीट खान नहीं करता सी बंदे दे नाल ते मैं इस बंदू कहंदी सी ते मतलब उन शुरू तो इदा कर मैं की कहां पापा नु मैं की कहां शुरू तो इदा करता रहा सर हौली हौली 7 साल बाद मैं रेप करना शुरू कर दिता गलत काम करता रहा घर वाला कुछ नहीं कहता जो मैं कोई गल करती हूँ कोई स्टैप चुका सर मेरा पैर भी सारे साड़ दिता ना तो तू मेरी 2 मिनट कोठे आ गया सुन जी निकल ले मम्मा कोठे चल गए अजे 2 मिनट भी नहीं हो कोठे बड़ी जोर के आवाज आई मैं दबे पैर कोठे गई सी तो मैं वेख्या तो पापा ने ना मम्मा दी ना गले तो रस्सी लपेटी हुई सी तो पापा ने अपना शू वाला पैर मम्मा दे ना इत्थे रखा हुआ इस गल ते गला दब रहे से उन्हें रस्सी ना साड़ी कोई फीमेल पेशेंट है हरप्रीत कौर जो कि प्रेगनेंट है 5 मंथ्स तो उठे कल आई सी रात में विद हिस्ट्री ऑफ लड़ाई झगड़ा अपने हसबेंड के नाल उस तो बाद सर ने मेरी 12 साल की बेटी पे हाथ पाया मैं रंगेत ही पढ़ लिया मेरे सहुरे ने मतलब गलत हरकत करन लगा सीगा बेटी ना इदा करन लगा फिर मैं थाने आ गई थी वड्डी मैडम को पेश हुई सर ने गिरफ्तार कर लिया सीगा हुण घर वाला टॉर्चर करता रहो सर घर आउंदा नहीं हैगा दादा दादी सारे खलोते हुए सी बाहर तो फिर मैं उतना मंदिर के पिछों झाड़ियाँ लागू भज के चल गई जिन्हें चिन्ह मैं लागे गवंढियों बुला गई उन्हें चिन्ह चल गई सी कल केंद्र ज़्यादा किया इन्होंने नाल फिर हम रात इतने दाखिल ने तो हम इन्होंने बस ही परचा खुचा कट के तो जो भी पुलिस कार्रवाई कानूनी कार्रवाई बन गई है वो की जाएगी लिखती भी तो दसा जाएगा और सहुरे परिवार उत्ते मामला दर्ज करवाउण वाली गर्भवती महिला ते उसके पति ने किया हमला पीड़ित महिला सरकारी हस्पताल च जेरे इलाज बटाला दे मुर्गी मोहल्ले की गर्भवती औरत की मारकुटाई का मामला सामने आया गर्भवती औरत हरप्रीत ने दसिया कि वह 5 महीने की गर्भवती है बीती देर रात उसका पति घर आया और उसनू छत ते लिजा के मारकुटाई करन लगा ते उसके गले विच रस्सी पा के मारिया उसने दसिया कि लड़ाई का कारण यह है उसका सहुरा उस नाल कई सालों तो बलात्कार करता आ रहा है और उसने उसके खिलाफ मामला दर्ज करवा के जेल भेज दिता है उसका पति उसते दबाव बना रहा है कि उसके पिता का केस वापस लवे जिस करके वह अक्सर उस नाल मार कुटाई करता है हरप्रीत की बेटी ने भी कहा कि रात पापा आए सी ते उन्होंने मां नू मारिया इलाज कर रही डॉक्टर स्वाति ने कहा कि यह औरत गर्भवती है ते इसके पति ने इस नू मारिया ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਸਰ ਮੁਰਗੀ ਮੱਲੇ ਫਾਟਕ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਸਰ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਹੁਰਾ ਮੇਰਾ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੇਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਸਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਸਰ ਇਹ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਰੇਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਰੰਗੇਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਕੋ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲਾ ਟੋਰਚਰ ਕਰਦਾ ਰੋ ਸਰ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਰ ਬੱਚੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕੂਲੇ ਪਾਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮਾਰਦਾ ਪੋ ਪੇ ਰਮੀਨਾ ਸਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸਰ ਪੇ ਰਮੀਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੱਟ ਪੁੱਟ ਸਾਰੇ ਛੇਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੂਟ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸਰ 5 ਮੰਥ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਰਾਤੀ ਸਰ ਘਰੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਲੇਟ ਗਏ ਸੀ ਸਰ ਸਰ ਇਹਨੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ
मेरे फादर मेरे को रेंदे है, मेरे पापा उत्थे गए आ पिंड, उन्होंने काम से श्री अगबिंदपुर थोड़ा जहा उत्थे गए सीगे, ते कुछ राशन भी घरे मुक गया सी, वो भी गए लैन गए सी अपने ब्रदर कोलो। सर इन्हें वेख्या कि उन्हें पता लग गया घरे कोई भी नहीं है, सर ही आया राती 2 बजे। मैंने कहना कि तेन मेरे तो यकीन नहीं, बुआ खोलिया सर इन्हें कुंडा लाता तो अंदर ना आवे, कहते कि तू कैमरा लगाया अंदर, मैं नहीं आना कोठे आके मेरी गल सुन ला। फिर मैं कोठे चली गई, तो बाद इन्हें मेरे पैन की सट्टी पहले फोन खोलिया, कहते कि तू रिकॉर्डिंग ने लाया, मैं क्या नहीं, इन्हें फोन स्विच ऑफ करके नीचे मारे, सारा फोन तोड़ दिता सर। उस तो बाद सर इन्हें रस्सी लै के मेरा गला ना बड़ी और कि नप दिता सर, शूज मेरे मूँह उत्ते रख के गला नप दिता सर मेरा। मुंडी ने मेरी बच्ची है माँ जी गुड़िया वी मेरी, ये मेरी गुड़िया ने आवाज सुनी मेरी, फटाफट भज के कोठे से गई सर। इन्हें वेखिया इन्हू फड़न लगा सी, मैं वो लत्त फड़ ली भज के, साढ़े लागे गुआढ़ी है भीत होनी सर। उन्होंने कोल जाके इन्होंने बच्चिया ने कहा कि मेरी मम्मा ने मार दिता सर, वो आए इहदी सारी फैमिली बाहर खड़ी हुई सी, मेरी मेरे सहुरे परिवार की सारी फैमिली बाहर झाड़ियों के लागे खड़ी सी, प्लैनिंग ही सर इन्हों की मेरी मार मैं मारन की सर। सर उस तो बाद इन्होंने आवाज दी कि वह भज गया बस, मेरे पापा ने गड्डी लैके दी छोटा हाथी फ्रूट वास्ते मेरे वास्ते लैके, हूँ कमाई करके उन्होंने देता सर, मेरे नानी रह रहा सर, कहता केस वापस लै, एक गल करता सर केस वापस लै। 5 महीने हो गए सर जदों का मैं पापा ने जेल सुटिया ना उदों का ही सर इदा करता है। फिर सर ही कहता केस वापस लिया, रात मैं कुटदा इस कहते घर खाली कर, इदा कहता मैं खुशप्रीत कौर। राती 2 बजे ना पापा आए सी गेट च, तो मम्मा कहंदे खुश मैनू उठाता, मम्मा कहंदे बत्ती जगा पता नहीं कौन बार आ, पापा कहंदे दरवाजा खोल, मम्मा कहंदे कि मैं नहीं खोलना तू जिहड़ी गल करनी बाक लो कर ला, पापा कहंदे मैं कोई जरूरी गल करनी आ, मम्मा पापा कहंदे कि तैनू मेरे ते भरोसा नहीं हैगा, इन्नी गल हुई तो मम्मा ने बहुत खोलता। पापा अंदर आते सारे ते पापा ने अंदरों कुंडा लाता, तो किन्ना चिर ना फ्रिज लागे खलोते रहे, तो मम्मा कहंदे आ जा अंदर तो पानी पी ला जा रोटी खा ला फिर बाद चो गल कर ली, इन्नी गल पापा कहंदे मैं नहीं अंदर आना, तुसीं कैमरे लाए होने अंदर, तो तू मेरे 2 मिनट कोठे आ गया सो जा, इन्नी गल मम्मा कोठे चल गए, हजे 2 मिनट भी नहीं हुए कोठे बड़ी जोर के आवाज आई, मैं दबे पैरे कोठे गई सी, तो मैं वेख्या तो पापा ने ना मम्मा की ना गले ते रस्सी लपेटी हुई सी, तो पापा ने अपना शू वाला पैर मम्मा दे ना इत्थे रख्या होया सी गल ते, ते गला दब रहे सी उन्हां रस्सी नाल, ते पापा ने मेरे वाले वेख लिया, मैं रोन दे पई, मैं कहा पापा छड़ दो, पापा मैनू फड़न लगे, मम्मा ने पापा की लत्त फड़ ली, मैं भज भज थले अपनी भैन उठा के ते मैं लैके चली सी, ते इधर सारे बाहर खलोते हुए सी लैण पार वाले दादा दादी सारे खलोते हुए सी बाहर, ते फिर मैं उत्थे मंदिर दे पिछों झाड़ियां लागू भज के चल गई, जिन्ने चिर नूं मैं लागे गवांढियां नूं बुलाण गई उन्ने चिर नूं चल गए सी। ते साडे कोल फीमेल पेशेंट है हरप्रीत कौर, जो कि प्रैगनेंट है 5 मंथ्स तो, इत्थे कल आई सी रात नूं विद हिस्ट्री ऑफ लड़ाई झगड़ा अपने हसबैंड दे नाल ही, ते पहला भी हिस्ट्री दिंदे रहे कि पहला भी इन्हां दी इदां लड़ाई हुंदी रही है, पहला भी इत्थे आके दाखल हुए और पुलिस कार्रवाई करवाई है, पर शायद कोई स्टैप नहीं लिया गया, तो कल कहिंदे ज़्यादा कीता इन्हां दे नाल, ते फिर हुण रात दे इत्थे दाखल ने, ते हुण इन्हां दा सी परचा पुरचा कट के, ते जो भी पुलिस कार्रवाई कानूनी कार्रवाई बनदी है वो कीती जाएगी, लिखती भी ते दस्सिया जाएगा। और फिजिकली शी इज़ प्रैगनेंट 5 मंथ्स तो, अल्ट्रासाउंड करवा के एक बार हम देख लेंगे, अदरवाइज कोई इतनी ज़्यादा चोट नहीं लग रही, ऑक्सीजन वगैरह पे हमने रखा हुआ है, क्योंकि इनका कहना है कि इनको गला दबा के उन्होंने हरास करने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, तो फिर हमने ऑक्सीजन पे और रखा हुआ है इनको। द एवन मीडिया चैनल लिए बटाला तो लवप्रीत सिंह खुशीपुर की खास रिपोर्ट।